नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर जिनपिंग की पीएलए को सबक सिखाने की तैयारी हो चुकी है। जिस तरह से सरकार और सेना अपनी रणनीति बना रही है, उससे अब यह साफ हो चुका है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। खास बात यह है कि मोदी सरकार के एक निर्णय ने चीन के साथ पाकिस्तान की कपकपी भी बढ़ा दी है। नई दिल्ली से जारी निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा आदेश जारी करके गुरु चमचे की धड़कनें बढ़ा दी है। प्रशासन ने सभी तेल कंपनियों को आदेश दिया है कि वे कम से कम 2 महीने के लिए एलपीजी का भंडारण सुनिश्चित कर ले। वहीं एक और आदेश में गांधरबल के कुछ स्कूलों को सुरक्षा बलों को ठहराने के लिए प्रशासन को सौंपने को कहा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि गांधरबल जिला लद्दाख के कारगिल जिले से लगता है। ऐसे आदेश पहले भी सरकार जारी करती रही है, पर इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रकार के आदेश सर्दी शुरू होने से पहले जारी होते हैं, क्योंकि बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाता है। लेकिन यहां तो एलएसी से एलओसी तक पारा आसमान में पहुंचा हुआ है। इस आदेश के बाद तो यह और भी हाई हो गया है। इसका मतलब यह है कि मोदी जो दिखाया बता रहे हैं, उसके पीछे वे कुछ बहुत ही खौफनाक करने का संकल्प ले बैठे हैं। वैसे इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान के 24 विधानसभाओं में 18 अगस्त को चुनाव की घोषणा कर दी है। भारत इस इलाके में चुनाव का विरोध कर रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान को भारत अपना हिस्सा मानता है। इसलिए मोदी सरकार के अप्रत्याशित कदम से पाकिस्तान के न केवल कान खड़े हुए हैं, बल्कि हाथ पांव भी फूले हुए हैं। पाक सेना प्रमुख बाजवा ने तो बाकायदा पीओके के अस्पतालों में 50% बेड और ब्लड बैंक की व्यवस्था सेना के लिए रिजर्व करने का पत्र लिखा है। इसका मतलब यह है कि भारत इस बार जितना आक्रामक है, ऐसी वानगी पहले नहीं देखी होगी। यानी चाइना के साथ कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी हुरों की खोज में भेजने के इरादे हैं। पर इसी बीच एलएसी से एक चौंकाने वाली खबर भी आई है। भारतीय थल सेना और वायुसेना को ऑरेंज अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। यानी किसी भी जोखिम से निपटने के लिए पूर्ण तैयारी है। इसकी वजह यह है कि पिछले 2 हफ्तों से चीन की वायुसेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर की गतिविधियां बढ़ा दी है। चीन के हेलीकॉप्टर गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14-15 और हॉट स्प्रिंग पेंगोंग तसो और फिंगर एरिया में काफी पास तक उड़ान भर रहे हैं। जबकि दोनों देशों में समझौते के अनुसार भारत व चीन के विमानों को उड़ते समय वास्तविक नियंत्रण रेखा से 10 किलोमीटर की दूरी बनानी होती है। यानी इस वक्त दोनों देशों के बीच हुए तमाम समझौते हवावाई हो चुके हैं और मामला आर्या पार के स्तर पर जा पहुंचा है। पर यहां पर हालत दूसरी है। ढोल भारत बजा रहा है, हड़कंप पाकिस्तान की टिड्डी जमात में मचा हुआ है। पाकिस्तान हुक्मरानों में घबराहट इस कदर बढ़ चुकी है कि अब उन्हें लगता है पंगा चाइना से है, नंगा उन्हें भी किया जा सकता है। वैसे कल से उनका यह डर और ज्यादा बढ़ गया है। एएनआई न्यूज एजेंसी ने एक बड़ा खुलासा करके पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। एएनआई ने कहा है कि भारत में जल्दी एक मित्र देश से मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है। यह अभी तक गोपनीय है कि यह सिस्टम अमेरिका का थार होगा या रूस का S-300 या फिर इजराइल भारत को अपना शक्तिशाली डेविड सिलिंग एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर रहा है। खबरें तो यहां तक भी आई है कि ऐसा कोई सिस्टम भारत को मिल भी गया है और उसे डिप्लॉय भी किया जा चुका है। पर ऐसी खबरों के पीछे कितनी सच्चाई है, इसके कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। वैसे भी रक्षा तैयारियों में बेहद गोपनीयता बरती जाती है, जिसके बारे में आम लोगों तक सीमित जानकारी ही पहुंच पाती है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते से भारत पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा आक्रामक है। चीन को सबक सिखाने और उसे पीछे खदेड़ने का संकल्प कहीं सशक्त दिख रहा है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत ने चाइना की हरकाट की तैयारी पूरी कर ली है। खासकर चीन के पास मौजूद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का विकल्प भारत के पास नहीं था, पर अब लगता यूं है कि भारत के पास उसका जवाब आ चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि भारत को अपने तीनों ही मित्र देशों से यह डिफेंस सिस्टम मिल रहे हो। अगर ऐसा होता है तो भारत केवल चीन पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी काल बनकर टूटने को तैयार है। कश्मीर के गांधरबल के स्कूलों को सैनिकों को सौंपने और एलपीजी के भंडारण का आदेश तो कम से कम यही सारा करता है। वैसे लड़खड़ाती जीभ से विदेश मंत्री साहब महमूद कुरैशी इसकी आशंका पहले ही जाहिर कर चुके हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच संघर्ष बढ़ता है तो भारत निसंदेह अक्साई चीन और पीओके की वापसी की कार्रवाई भी लगे हाथ कर सकता है। भारत के साथ दुनिया का समर्थन और अवसर दोनों है। पाकिस्तान का चीन के समर्थन में कूदना लगभग लगभग तय है। ऐसे में भारत के मित्र देश भी इस जंग में जरूर कूदेंगे।
फिर भारत के पास यह बढ़िया मौका होगा कि वे पीओके पर दावा बोलकर एक अखंड भारत का निर्माण कर सके। इसके लिए भारत की तैयारियां और रणनीतियां बेहद ही मजबूत होना जरूरी है। मोदी सरकार इस पर काम भी कर रही है, क्योंकि मोदी जानते हैं कि इस जंग की विजय के बाद भारत एक महाशक्ति के रूप में उदय होगा, जिसके सामने चीनी चूहे और पाकिस्तान के फंटर सदियों तक मुंह नहीं उठा सकेंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।